अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था फिफ्थ रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह फिफ्थ रोज़ा बहुत अच्छे से किया। इफ्तार सहरीन पूरा दिन कॉलेज था, कॉलेज से आने के बाद सो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोज़ा बहुत अच्छे से किया। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं कॉमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। आज के रोज़े की एडिटिंग चल रही थी लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो इंशाल्लाह मैं आने के बाद अपलोड करूँगी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जल्दी से लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन, तो देख लीजिए। सो अब टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं पोडियम मॉल। तो मैं अम्मी जहरा जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए और थोड़ा सामान लेने के लिए और थोड़ा अम्मी को बाहर घुमाने के लिए ताकि उन्हें थोड़ा फ्रेश फील करे। तो आप सब भी मेरे साथ चलिए, स्टे ट्यून। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पोडियम मॉल। और पहले पोडियम मॉल बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल था लेकिन अब थोड़ी शॉपिंग कम हो गई है और चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई, तो हम लोग कम आते जाते हैं यहाँ पर। द रीज़न वाई हम लोग यहाँ पर आना जाना स्टार्ट कर रहे हैं आजकल कि जैन फैक्ट्री आउटलेट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। चलो ऊपर, यहाँ जाना है जैन। Finally we reached the podium. मेरी vlogging नीचे चले जाती है सब, फिर ऐसा सही करना पड़ता है। सो हम आ गए हैं podium mall। अभी हम सबसे पहले जाने वाले JN factory outlet। थोड़े छोटे बच्चे के कपड़े लेकर आते हैं, उसके बाद आगे जा। थोड़ा पड़ा हुआ गर्ल बेसिक चाहिए गया था मैम आपको एयरफोन। बच्चों का इधर ही है, दूसरी तरफ विशाल में भी एक बार देखो बच्चा ऐसे न्यूबॉर्न के मार। बस 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 हमें बस पूरे ले ले सकते हैं। नहीं छोटा ये बस है ना, आ जाती जी तो ढीला ही बना। बिलिंग हो गई, घर जाके बताती हूँ क्या लेते हैं। कैप्स और बिप्स लेना है तो एक दूसरी शॉप मतलब मॉल में जा रहे हैं, दूसरे मार्ट में, वहाँ जाके चेक करते हैं कि कैसा कलेक्शन है। यहाँ पर तो नहीं मिला।
यहाँ पर भी बहुत टाइम बाद आए। ये अम्मी को क्या मिल गया? गलत जगह तो नहीं आ गए अपन? देखो जी, अम्मी शूज, अम्मी कुर्ती। नहीं, मेरे को तो शूज लेके जाने छे, प्लाजो। वो गलत जगह आ गए, बहुत गलत जगह आ गए। उधर है बेबीज का, बेबीज का सेशन वहाँ पर है, देख कर आते। ओ सो प्रीति, क्यूट क्यूट ड्रेसेस आर हियर। ओ फल्ला, ये पूरे ओपन है शायद। नहीं, ये देखो तो 140 150 में एक है, ये वो दो है। अच्छा हाँ है दीदी, हाँ उन्होंने बोले के देख के लेके आओ, इसमें पॉलिस्टर रहता बोल के बोले। आ रही ना छोटी हो रही घूमती ना इसमें। जहरा तुम अंदर देखो, रहती नहीं नहीं दूसरे से पट्टे वाली छोड़। मेरे को जिस हिसाब का शूज चाहिए वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पसंद है पीछे का जो ये सोल होता है ये थोड़ा हाई, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। वैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, देखते हैं और सर्च करते हैं। देख लो पसंद आ रहा तो ले लो। देखो छोटा, आप फोन नहीं आता ना? फोन जरूरी है ना? फोन के लिए तो इधर देखनी है। फोन आओ हरियाणी, जी हाय करो, हाय 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 बेबी, हाय बेबी से हाय, जल्दी हाय करो। क्यूट है वो, रुखैया के जैसी। समझ में आ रहा? कहाँ है आप? कहाँ है? लोग बढ़ जा रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? लाइन में वन प्लस वन के। हेलो ब्लॉगर्स, ले लिया आपकी। इधर देखो मैं यहाँ हूँ। अच्छा, अम्मी का बैगों का क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वी कांट स्टॉप हर टू नॉट टू बाय, इसलिए जरूरी है आ गए यहाँ पर। लेट्स सी। ये भी बहुत प्यारा है। हाँ, ये भी बहुत प्यारा कलेक्शन।
अमीन को दुल्हनों का कलेक्शन पसंद है। ऑनलाइन मिल रहा बड़ी बिल बनाने जा रहे हैं अभी एक, ठीक है ना? जल्दी से बैक कैमरा खोलो। ये इसमें से तुम्हारा सामान निकालो, इसमें डाल लो आपका, इसमें डाल लो, किसमें भी डाल लो। जरा क्या हो, अम्मी बैग यूज कर लिए। वहां है देखो डस्टबिन, वहां है डस्टबिन। शक्ल दिखा तुम्हारी, पनिशमेंट दिख रही तुम्हारी है। ये ले लेके मॉल के बाहर भी जाओ कर लगा। पूरी शॉपिंग हो गई, नाउ वी आर लिविंग फॉर सम पेट पूजा, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही। तो अभी हम जाते हैं और अम्मी के स्टाइल्स तो देखो शुरू हो गए। अम्मी टैग निकालो, अम्मी टैग तो निकालो पैसों का। ये अम्मी खुश तो सब खुश। मेरे लिए मेरी अम्मी की खुशी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं जो कुछ करती हूँ सिर्फ अम्मी और अब्बू के लिए करती हूँ। रख लो अम्मी, बाद में यूज करो। ये दाली है ना, अम्मी को सबरिश नहीं है, दोनों परसा नहीं नहीं कर रही, सही से रख रही है। मैं बोल रही हूँ कि कवर में डाल दो, उसमें लग को डालो, फट जाता वो बैग, इतना बड़ा नहीं आता उसमें। अरे बैगों के मामले में अम्मी 2 महीने बाद का भी सोच कर रही, अम्मी से डिसाइड हो जा रहा। मैं वहाँ गई तो क्या लूंगी, यहाँ गई तो क्या इस्तेमाल करूंगी। इतना तो गले, एक दुकान डालना है अम्मी के नाम, मूर कलेक्शन, होंगे पूरे यूज कर रहे हैं। अल्लूर, अल्लूर, अल्लूर कलेक्शन डालना है बैग का, इसमें लिखा लिखे हुआ डालूंगी मैं कि सिर्फ 2 टाइम यूज ले सकते हैं आप, हाफ रेट में ले लेके जाओ, दो के बाद तीसरे नहीं, तीसरे बार नया बैग होना बताती हूँ मैं घर को जाके अम्मी का कलेक्शन। हमारी सबसे फेवरेट जगह अम्मी, लास्ट वो टेबल पे सबसे फेवरेट जगह। आइस मैजिक का मजा ही अलग है। अरे अल्लाह, मच्छर मक्खियां। क्या मम्मी क्या खाते हो? तुम क्या खा रहे? पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज। हाँ बोलो, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज और कौन सा पिज्जा मंगा लो जो पूरे खा सके। यहाँ देखिए, मैं ऑर्डर दे रही थी और साइड में देखिए आप, अम्मी फिर से बैग अपना अरेंज करने लग गए। अम्मी को बैगों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, और दिस इज़ सच अ क्यूट मोमेंट फॉर मी। पहले जो चीज़ नहीं आना था वो आ गई, लाइन ऑफ फ्रेंच फ्राइज। हेलो अम्मी, आपका मौसमी का जूस, एंजॉय। सो यस, ये आ गया है अम्मी का जूस, मौसमी का, अम्मी का सैंडविच, ज़ेरा का बर्गर। लो ज़ेरा, दूर कहीं को रखे, हम सबका फ्रेंच फ्राइज और मेरा चिकन चीज़ी बर्गर। चीज़ी खा के बात करेंगे आपसे। आओ जी, मुझसे सुनो, थोड़ा रहने दो सुनो। वो कढ़ाई बर्खा सभी
दिस इज जस्ट हेवन गाइस। है बुखार कम, ये खा हुआ सो जाओ बस। यहाँ अम्मी चल रही है बात बेटी साहिबा से वीडियो कॉल। और मैं छोड़ के तो नहीं जा सकती हूँ, ऐसा दब चॉकलेट चुरा रही हूँ। घर वापसी पे हम लोग लिए 3 वेलवेट केक्स जो कि सबको ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी। इट्स 6 o'clock नाओ और मैं अभी तक उशार हूँ सहरी के बाद से, क्योंकि मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ थी और मुझे 8 o'clock को कॉलेज के लिए निकलना। हाउ ग्रेट आई हूँ। हमारे कैमरे बंद है अभी फ़िलहाल, तो बाहर शायद सब लोग उशार है, सनराइज वाजों बाजार। हमारे घर से सनराइज इतना ही नजर आता। ओवर हो गया ने, अब तो 6 बज गए सुबह के, 8 बजे कॉलेज जाना है तो जल्दी सो जाते हैं। गुड नाइट। ये कॉलेज की रूटीन की वजह से मैं आप सबसे रेसिपीज़ नहीं शेयर कर पा रही हूँ सहरी एंड इफ्तार की, बिकॉज़ मैं कॉलेज से बहुत टायर्ड होके आती हूँ, धूप बहुत ज़्यादा होती है, वो तो आते ही सो जाती हूँ, तो 5 बजे के करीब हम उठते हैं, तब तक हमारी इफ्तारी सब कुछ बन जाती है। आज था 6th रोज़ा, तो 6th रोज़े में बनी थी इफ्तारी में दही बड़े चने जो कि बहुत ज़्यादा यम थे, और सम फ्रूट्स एंड ऑब्वियस हमारा डिनर जिसमें थे बघारा खाना, बघारे बैगन का सालन एंड गोश। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, बट मैं यहाँ पर आप सबसे एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि 7th रोज़े से हम आपसे सारे सहरी टू इफ्तार रेसिपी शेयर करने वाले हैं, फ़ातिमा के रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई एम नॉट परफेक्ट, बट इन गाइडेंस मैं आप सबसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ये मेरा प्रॉमिस होगा। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप सबसे कनेक्टेड रहूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप सपोर्टिंग। एंड अभी हमारे इफ्तार का टाइम हो गया है, तो इफ्तार में बहुत सारी दुआएं मांगी, एंड आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर, एंड आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।